उत्तर प्रदेश सरकार की 4.5 वर्ष पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित किया है। हम न केवल एक दिन में 3.25 लाख कोरोना की जांच कर रहे हैं बल्कि वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गंगवार ने कहा कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आशीष गुप्ता ने संतोष गंगवार से खास बातचीत की, जरा सुनिए। धन्यवाद। ये बात सही है कि हम लोगों ने 4.5 वर्षों में जो कुछ किए, प्रदेश और जिले वाले उसको सुनने और समझने का काम करें, और हम लोगों ने जो कुछ काम किए वो अपने आप में उदाहरण है। बरेली की कुछ बातें, प्रदेश की कुछ बातें यहाँ पर हमने पत्रकार मित्रों को बताई थी, और हमारा मानना यह है कि अपने आप में अभूतपूर्व है। एक रिकॉर्ड काम के तहत हमने काम किया है, ये अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। जैसे एक मुख्य बात, पिछली बार धान की खरीद में हमने रिकॉर्ड धान की खरीद की और उत्तर प्रदेश में हमने अपना स्थान पाया और हमारे जिलाधिकारी पुरस्कृत भी हुए। ये बात हम सबकी समझ में आती है, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में योगी जी की सरकार अपनी कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रही है, और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस भी कर रही है, मान भी रही है, एक सही दिशा में सरकार काम कर रही है। जी, कानून व्यवस्था तो एक ऐसा विषय रहा है कि जो हर समय चिंता में आता है, पर जिस ढंग से हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में काम किया है, अब यह विषय गौर हो गया है, लोग इसकी चिंता भी नहीं करते, सबको लगता है अच्छे ढंग से सरकार ने काम किया। सारे स्कूल बंद हैं, और धन्यवाद देंगे जो भी प्रशासन को, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस पर ध्यान दिया, और पूरे प्रदेश के अंदर हर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से बनने का काम हो रहा है। सुरक्षित महसूस कर रही है।